हेलो एवरीवन वेलकम टू द नीडल मैजिक आज के ट्यूटोरियल में हम ये पफ स्टिच स्क्वायर बनाना सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं लेट्स गेट स्टार्ट सो फर्स्ट वी हैव टू मेक अ मैजिक सर्कल सबसे पहले मैजिक सर्कल हमें बनाना है तो हम रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर पे यान को ऐसे रैप करेंगे विल रैप द यान ऑन आर रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर एंड होल्ड इट विथ हट हम सिरा है यान का इसको इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर में पकड़ लेंगे लूप एंड विल चेन वन एंड दिस इज अ मैजिक सर्कल ये हमारा मैजिक सर्कल बन गया अगर आपको मैजिक सर्कल बनाने में मुश्किल हो रही होगी तो आप चेन टू करके फर्स्ट जो चेन आपने हाँ बनाई है उसमें भी ये जो आप, हम मैजिक सर्कल में कर रहे हैं वो उसमें भी बनाएंगे तो बन जाएगा बट मैजिक सर्कल ये होता है कि फिर बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होगा तो सुंदर दिखता है इसीलिए सो सुनाउ विल मेक अ पफ इधर हमें पफ बनाने हैं फोर तो हम इसको पहले थोड़ा पुल कर लेंगे बिल पुल इट ट अबेट विल यान ओवर गो इन द मैजिक सर्कल ओवर पुल यानोवर पुलप लूप यान ओवर गो इन द मैजिक सर्कल पुल पुलअप अना द लूप टू टाइम्स यान ओवर गो इन पुल पुलप थ्री टाइम्स यान ओवर गोवन पुल अपर टाइम्स तो हमने फोर टाइम्स ऐसे किए और अब हमारे पास टोटल नाइन लूप्स हैं नीडल पे वी हैव नाइन लूप्स ऑन अ नीडल विल यान ओवर एंड पुल थ्रू ऑल यान ओवर करके सब में से पुल करेंगे एंड चेन वन टू सिक्योर विल चेन वन एक चेन वन करेंगे सिक्योर करने के लिए अब चेन टू करेंगे नाउ चेन टू वन टू एंड मेक वन मोर पफ इसी मैजिक सर्कल में हम एक और पफ बनाएंगे यान ओवर मैजिक सर्कल में जाएंगे विल पुल अप अ लूप देन अगेन विल यन ओवर गो एन द मैजिक सर्कल पुलप अना द लूक टू यानोवर गोएन पुलप थ्री यानोवर गोयन पुलप फोर फिर से हमारे पास नाइन लुक्स होंगी यानोवर पुल थ्रू ऑल सब में से पुल करके चेन वन करें सिक्योर करने के लिए हर पफ को सिक्योर करने के लिए चेन वन करना बहुत जरूरी है देन अगेन चेन टू वीलमे का ना द पफ यानोवर गोयन पुलप लू वन या नोवर गोएन पुल अपू यान ओवर गोएन पुलअप लूप थ्री या नोवर गोएन पुलअप लूप फोर अगेन वील हैव नाइन ऑन आ नीडल वील पुल थ्रू ऑल एंड चेन वन टू सिक्योर डोंट फर्गेट टू चेन वन एट द एंड ऑफ द पफ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर इट विद द चेन वन तो ये हमने तीन पफ बना लिया मैं थोड़ा पुल कर रही हूँ मैजिक सर्कल एंड अब हम चेन टू करके लास्ट पफ बनाएंगे इस राउंड का सोन वील मेक वन मोर पफ य

तो यहाँ पे स्लिप स्टिच से हम इसको ज्वाइन करेंगे उससे पहले हम इसे पुल कर लेंगे ताकि ये मैजिक सर्कल क्लोज हो जाए ठीक है अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे विल ज्वाइन इट विद द फर्स्ट पाफ विद द स्लिप स्टिच सो दिस इज आर फर्स्ट राउंड नाउ टू बिगिन आर सेकेंड राउंड वी नीड टू गो इन दिस चेन टू स्पेस हमें इस चेन टू स्पेस में जाना है नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए तो हम इस जगह पे जाएंगे और स्लिप स्टिच करेंगे विल स्लिप स्टिच इन द चीन टू स्पेस नाउ विल स्टार्ट अपर सो टू बिगिन अर सेकेंड राउंड विल पुलअप अबिट जैसे हमने फर्स्ट राउंड में किया था वैसे हम थोड़ा पुलअप कर लेंगे विल यार्न ओवर गो इन दीन टू स्पेस पुलप अ लूप वन यानोवर गो एन टू द स्पेस पुल अप टू यानोवर गो एन द स्पेस पुल अप थ्री यानोवर गो एन द स्पेस पुल अपोर तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी किया है इस चेन टू स्पेस में नाउ विल यान ओवर एंड पुल थ्रू ऑल द लूप्स एंड विल चेन वन टू सिक्योर अब हमने यहाँ पर एक पफ बना लिया अब हम चेन टू करेंगे और एक और पफ बनाएंगे इसी सेम जगह पर वी हैव टू मेक वन मोर पफ इन द सेम स्पेस सो विल यान ओवर गो एन

एंड नाव विल गो इन द नेक्स्ट स्पेस एंड विल डू द सेम एग्जैक्टली व्हाट वी डिड हेयर अब हमने चेन वन किया है और हम हम नेक्स्ट स्पेस में भी सेम ऐसे ही दो पफ्स बनाएंगे बीच में चेन टू करके सो यहाँ पे हम एक और पफ बनाएंगे विल मेक वन मोर पफ यानो प्लब टू थ्री फोर यानो व पुल थ्रू ऑल द लूप्स एंड चेन वन टू सिक्योर एंड नाओ वी हैव टू चेन टू वन टू एंड इन द सेम स्पेस वील मेक वन मोर पफ इसी सेम स्पेस में हम एक और पफ बना रहे हैं जब हम दो एक ही स्पेस में दो पफ्स बना रहे होंगे तो हम बीच में उन दोनों पफ्स के बीच में चेन टू करेंगे और बाकी सारी स्पेसेस में हम चेन वन करेंगे चेन वन तो टू सिक्योर एंड चेन वन तो टू गो टू तो द नेक्स्ट स्पेस अब हम इस नेक्स्ट स्पेस पे भी सेम इसी तरीके से दो पफ्स बनाएंगे वन टू थ्री फोर सब में से पुल कर लेंगे चेन वन टू सिक्योर और इसी एक और जगह पे हम इसी सेम जगह पे हमने एक और पफ बनाना है वी हैव टू मेक वन वो पफ इन द सेम स्पेस। सो वील चेन टू इन बिटवीन दीज टू पफ चेन टू करने के बाद इसी सेम जगह से एक और पफ बनाएंगे टू थ्री सब में से निकाल देंगे चेन वन टू तो सिक्योर एंड चेन वन करके नेक्स्ट जगह पे जाएंगे फिर ये नेक्स्ट जगह पे भी हमने सेम इसी तरीके से दो पफ्स बनाने नाउ इन द नेक्स्ट चेन टू स्पेस आल्सो वी हैव टू मेक टू पफ्स पफ थ्री फोर या नोवर पुल थ्रू ऑल चेन वन टू तो सिक्योर चेन टू बिकॉज यू हैव टू मेक वन मोर पफ इन द सेम स्पेस चेन टू करके इसी सेम जगह पे एक और पफ बनाएंगे वन टू थ्री फोर यान ओवर पुल थ्रू ऑल चेन वन टू सिक्योर और चेन वन करके ये जो फर्स्ट यहाँ पे जो पफ है चेन वन एंड स्लिप स्टिच फ्रॉम द फर्स्ट पफ हियर तो हम यहाँ पे ये जो फर्स्ट पफ है इससे जाके स्लिप स्टिच करेंगे सो विल स्लिप स्टिच हियर टू द फर्स्ट पफ So, this completes our round two. So, for the next round, now we have to be very careful. Like, see, two puffs are coming from one space, that is our corner, and the space in between, that is our side. So, when two puffs are coming from the sp same space, we have to make two puffs there. एंड हि वी हैव टू मेक वन तो ये जो दो पफ्स एक जगह से आ रही है वहां पर हम दो पफ्स बनाएंगे और बाकी जगह पे बाकी स्पेस में हम एक ही पफ्स बनाएंगे ये हमें ध्यान में रखना है तो ये हमारा कॉर्नर है तो यहां पर पहले तो हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे स्लिप स्टिच इन द चेन टू स्पेस बिकॉज वी हैव टू वर्क फ्रॉम देअ यहाँ से हमें काम करना है और इसको थोड़ा पुल कर लेंगे और ये हमारा कॉर्नर है तो यहाँ पे हमें दो पफ्स बनाने हैं दिस इज अनर सो वील मेक टू पफ्स हेयर पुला टू यानोव पुलप थ्री यानोवर पुलप फोर यानोवर एंड पुल थ्रू ऑल चेन वन टू सिक्योर एंड चेन टू बिकॉज वी हैव टू मेक वन मोर पफ इन द सेम स्पेस तो यहाँ पे हमें एक और पफ बनाना है तो हम चेन टू दोनों पफ्स के बीच में चेन टू रखेंगे

Chain one to secure. Then again we'll chain one. We'll go in the next space, and this is the chain two space, and two puffs are coming from here, and this is a corner. So again we have to make two puffs here. So this corner is again. So here we have to two puffs. Banane hai. two three four Yarn over, pull through all. Chain one to secure. Now chain two because this is a corner. We'll make one more puff. यहाँ पे कॉर्नर है तो हम यहाँ पे एक और पफ बनाएंगे थ्री फोर एंड पुल थ्रू ऑल चेन वन टू सिक्योर अब हम चेन वन करेंगे और ये जो नेक्स्ट चेन वन स्पेस है इसमें हम एक पफ बनाएंगे नाउ विल चेन वी हैव चेन्ड वन एंड नाउ विल गो इन द नेक्स्ट चेन वन स्पेस एंड विल मेक वन पफ टू थ्री फोर ये आई एम काउंटिंग बिकॉज इफ आई इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर हियर द द साइज ऑफ द पफ विल चेंज तो मैं इसीलिए काउंट करती हूँ हमेशा ताकि अगर ये मैंने गलती से भी इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया तो पफ का साइज चेंज हो जाएगा तो ये बहुत ध्यान में रखना है आपने कि आपने जो फर्स्ट पफ का साइज जो बनाया है आप इसे तो अपने हिसाब से मोटा और पतला कर सकते हैं बट जो पहला आपने पफ जिस साइज पे बनाया है बाकी भी सभी उसी साइज के होंगे तो सही लगेगा वरना छोटा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा तो ये हमने एक बना दिया वी हैव मेड वन पफ यर वील चेन टू एंड नाउ वी हैव रीच्ड आ कॉर्नर ये हमें कॉर्नर में पहुंच गए हैं फिर यहाँ पे दो पफ्स बनाएंगे थ्री एंड फोर यानोवर पुल थ्रू ऑल एंड चेन वन टू सिक्योर एंड चेन टू एज दिस कॉर्नर फिर से चेन टू करेंगे और इसी स्पेस में एक और पफ बनाएंगे टू थ्री एंड फोर यानोव पुल थ्रू ऑल एंड चेन वन टू सिक्योर अब हम साइड्स में आ गए हैं नाउ विल चेन वन एंड हियर इन द चेन वन स्पेस विल मेक वन पफ तो इस चेन वन स्पेस में हम एक पफ बनाएंगे टू थ्री फोर यानोव करेंगे सब में से पुल करके चेन वन टू सिक्योर अगेन चेन वन गोइंग टू द नेक्स्ट कॉर्नर दिस इज अनर ये फिर से हमारा कॉर्नर है और यहाँ पे हम दो पफ्स बनाएंगे विल मेक टू पफ्स योर थ्री फोर यारोव पुल थ्रू ऑल चेन वन टू सिक्योर चेन टू एंड मेक अनदर पफ इन द सेम स्पेस इसी सेम स्पेस में हम एक और पफ बनाएंगे बिकॉज ये हमारा कॉर्नर है फोर फिर से हम यन ओवर करके पुल करेंगे सब में से चेन वन टू सिक्योर चेन वन एंड इन दिस चेन वन स्पेस विल मेक वन पफ इस चेन वन स्पेस में हम एक पफ बनाएंगे थ्री एंड चेन वन टू सिक्योर अब चेन वन करेंगे और ये जो हमारा फर्स्ट पफ था जो हमने बनाया है इसके साथ स्लिप स्टिच करेंगे विल स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट पफ दैट वी मेड एंड दिस विल कम्प्लीट आर राउंड थ्री सो फर फोर अगेन विल गो इन इन द चेन टू स्पेस एंड विल स्लिप स्टिच ये से इस चेन टू स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे क्योंकि हम यहाँ से वर्क करेंगे और इसी तरीके से जैसे आपने रो थ्री किया था उसी तरीके से ये करेंगे जहां चेन वन स्पेस है वहां पर एक एक पफ बनेगा और जहां चेन टू स्पेस है वहां पर दो पफ बनेंगे जिनके बीच में चेन टू आएगा और एक एक पफ जहाँ पे आप बना रहे हो उसके बाद आपने चेन वन करना है सो वी हैव टू कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस वेर एवर देर इज चेन टू एंड देर आर टू पफ्स कमिंग फ्रॉम देर देर यू हैव टू मेक टू पफ्स एंड चेन टू इन मिडल बिकॉज दैट्स अ कॉर्नर एंड वेर देर इज चेन वन यू हैव टू मेक वन वन पफ्स देर एंड यू हैव टू चेन वन आफ्टर दैट सो नाउल वील मेक टू पफ्स यर यहाँ पे हम दो पफ्स बनाएंगे तो बनाते हैं यहाँ पे दो पफ्स वन टू थ्री एंड फोर पुल थ्रू ऑल चेन वन टू सिक्योर चेन टू चेन टू हम इसलिए करें क्योंकि हमारा कॉनर है और इसी एक जगह से हमारे को दो पफ्स आएंगे यहाँ पे we'll make another puff here. Three and एंड We'll विल over, पुल थ्रू ऑल चेन वन टू सिक्योर नाउ विल चेन वन अब हम चेन वन करेंगे और इस चेन वन स्पेस में एक पफ बनाएंगे नाउ इन दिस चेन वन स्पेस विल मेक वन पफ टू थ्री फोर ओवर सब में से निकाल के चेन वन टू सिक्योर नाउ चेन वन गो इन द नेक्स्ट चेन वन स्पेस ये जो नेक्स्ट चेन वन स्पेस है फिर फिर इसमें एक पफ बनाएंगे इन द नेक्स्ट चेन वन स्पेस अगेन वी हैव टू मेक वन हैफ फोर बुलेट चेन वन टू सिक्योर चेन वन

एंड नाउ वी हेव रीच आर साइड्स अब हम साइड्स पे आ गए हैं फिर से तो अब हर एक साइड में एक एक पफ बनाएंगे सो इन दिस चेन वन स्पेस विल मेक वन पफ फॉलोड बाई चेन वन चेन वन टू सिक्योर एंड चेन वन देन इन द नेक्स्ट चेन वन स्पेस अगेन विल मेक वन पफ एंड विल चेन वन एंड नाउ अगेन वी हे रीच अ कॉर्नर तो फिर से हम कॉर्नर पे आ गए हैं यहाँ पे हम दो पफ्स बनाएंगे इन द कॉर्नर नाउ विलू पफ्स चेन वन टू सिक्योर एंड चेन टू एंड विल मेक वन मोर पफ यकॉज इज अनर फिर से यहाँ पे एक और बनाएंगे बिकॉज एक कॉर्नर है कॉर्नर में हमेशा दो पफ्स आते हैं चेन वन टू सिक्योर चेन वन एंड नाउ चेन वन स्पेसिस में फिर से एक एक पफ बनेगा नाउ अगेन इन द चेन वन स्पेस वील पफ नोवर पुल थ्रू ऑल वन एंड चेन एंड नेक्स्ट यन मोर पफ ये ध्यान में रखिएगा कि जो मैं चेन वन पफ को सिक्योर करने के लिए कर रही हूं वो तो करना ही है उसके बाद एक्स्ट्रा जो चेन वन हम करते हैं वो करना है और जो चेन टू करना है वो वो हम कर रहे हैं बट जो पफ को सिक्योर करने के लिए आप चेन वन कर रहे हैं उसको एज अ पफ ही काउंट कीजिएगा चेन वन एंड नाउ अगेन हम कॉर्नर पे पहुंच गए हैं थ्री एंड फोर चेन वन टू सिक्योर एंड चेन टू बिकॉज वी आर एट द कॉर्नर कॉर्नर पे हैं हम तो फिर से हम चेन टू लेंगे बीच में चेन वन टू सिक्योर चेन वन नाउ इन द चेन वन स्पेस वन पफ थ्री एंड फोर चेन वन टू सिक्योर एंड चेन वन इन द नेक्स्ट चेन वन स्पेस अगेन विल मेक वन पफ ये फिर से चेन वन स्पेस जो है उसमें हम एक पफ बनाएंगे Chain one to secure, chain one, and join it with the first puff that you made. you the first puff we made, we will join. join it with a slip stitch. So, as you can see, this is how it looks. It's really pretty. So, this is how it looks, and you can keep on continuing this by doing two puffs in the corners and one more puff in the chain one space.

And keep crocheting, be happy, stay safe, bye bye.